तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिटिक्स एनिमे। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ये कि मैंने कई मतलब कई वीडियोस में आपको बताया कि स्टार्टिंग में ही कि हमारे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पर आप करते ही नहीं हो गाइस। अभी भी हमारे 100 ही सब्सक्राइबर्स है, तो जल्दी से जल्दी जाओ और यहाँ पर जितने सब्सक्राइबर है वहाँ के मतलब हर एक जन यार वापस जाकर सब्सक्राइब कर दो। और गाइस, चैनल पे अगर 1K सब्सक्राइबर हो गए ना तो मैं मेरा फेस रिवील भी वही कर दूंगा 1K सब्सक्राइबर स्पेशल में, और आपको एक नरूटो की नई मूवी देखने को मिलेगी और बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे गाइस आपको। प्लीज़ ये काम कर दो आप, और चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन इंट्रो के साथ। तो यहाँ पर नरुटो को ककाशी ने अपने पैर खींच दबाया होता है और वो कहते हैं मैं तुम्हारा एक हाथ तोड़ डालूंगा, क्या तुम शिनोबी बनने के लिए अपने एक हाथ की कुर्बानी दे सकते हो? पर नरुटो कहते हैं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मतलब बोरुटो कहता है कि मैं मेरे हाथ की कुर्बानी बिल्कुल नहीं दूंगा, मुझे नहीं बनना है निंजा। और वो कहता है ककाशी से जाओ हटो अभी। तो ककाशी कहते हैं क्या, और फिर हम देखते हैं कि ककाशी उसका सिर पकड़ लेते हैं, और तभी पीछे से मिस्की आता है अपना लाइटनिंग ब्लेड लेकर, और फिर एक लाइटनिंग जुत्सु ककाशी के ऊपर देता है, पर ककाशी उसको एक हाथ से डॉच कर लेता है। और फिर हम देखते हैं कि बुरुटो वहां से हट जाता है और ककाशी से दूर जाते हैं, पर ककाशी उसके पेट में बहुत जोर से मारने वाले होते हैं, तभी तो वो आगे आता है। और फिर हम देखते हैं ककाशी का हाथ उसके पेट पे लगता है और वो दूर जाकर गिरता है, और यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर यहाँ पर ककाशी कहते हैं कि तुम कोई भी कुछ काम के नहीं हो, सब 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 बेकार हो। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ककाशी उस गड्ढे को खोलते हैं तो गड्ढा पूरा मतलब एकदम डराना हो जाता है और बहुत डीप हो जाता है। यहाँ पर अगले सीन में हम देखते हैं कि शारदा यहाँ पर होती है और फिर सब बच्चे यहाँ पर आते हैं। बुरुटो कहता है ककाशी ने मुझसे ऐसा ऐसा कहा कि हम कुछ काम के नहीं है, पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा? और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर मिस्की होता है, और मिस्की कहता है कि हाँ ककाशी ने मेरे पेट पर हाथ मारा है और उन्होंने सच में ऐसा ही कहा, पर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमें सब मिलकर एक जैसा मतलब एक साथ लड़ना होगा, हम अलग अलग लड़ रहे हैं इसलिए हम कामयाब नहीं हो पा रहे। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर बुरुटो सब में उम्मीद जगा देता है, और यहाँ पर इवा भी कहता है हाँ हमें एक साथ लड़ना होगा तभी हम जीत के दिखाएंगे। फिर बुरुटो कहता है चलो ठीक है, फिर देखते हैं आगे। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि डेंकी कहता है हाँ सच में एक साथ लड़ने में जो मज़ा है वो अकेले अकेले लड़ने में नहीं। फिर यहाँ पर जो क्लास रैप होती है वो बुरुटो को अपना हेयर बैंड देती है और कहती है ये पहन लो बुरुटो अभी जल्दी चलो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मोटी लड़की के साथ बहुत सारे लड़के होते हैं जो हार मान लेते हैं, और फिर वो यहाँ पर याद करते रहते हैं कि हमने कैसे हार मान ली थी, पर आगे हम हार नहीं मानेंगे। देखो यहाँ पर मिस्की ने मेरे लिए यहाँ पर मतलब कितनी मुश्किल झेल ली अपने पेट पर। और फिर बुरुटो कहता है कि चलो गाइज हम दिखाई देंगे उन सबको। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि यह वाली जो लड़की है वो किसी के ऊपर हमला करती है, पर वो सब्स्टिट्यूशन होता है, और पीछे से क्लास रैप और बाकी सब आते हैं उस लड़की को मारने के लिए। और यहाँ पर जो हमारा मेडल होता है वो आता है और उस मोटी औरत को बहुत तेजी से लात मार देता है। फिर हम देखते हैं कि वो मोटी लड़की कहती है कि तुम इतने मतलब चौकन्ने कब से हो गए, और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो सबको हरा देती है वो औरत, और बस ये लड़की बची हुई रहती है, और वो उसके पास कोई स्पेशल मूव भी नहीं होता इसलिए कहती है डरावनी होकर कि तुम क्या करोगी अब, तो इसे बहुत डर लगता है और वो डर के मारे बहुत जोर से रोती है, और यही उसकी स्पेशलिटी होती है। वो इतने जोर से रोती है कि वो मतलब उस औरत के कान ही फट जाते हैं, यहाँ तक कि पंछी भी नीचे गिर कर बेहोश हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो औरत नीचे गिर जाती है, और शिकाड़ा कहता है बाप रे कितना भयानक था ये। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सब बच्चे एक दूसरे को छोड़ रहे होते हैं और कहते हैं कि थैंक यू बचाने के लिए, और हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुत अंधेरा हो चुका होता है। और यहाँ पर कौन होता है, यहाँ पर जो हमारा मिस्की होता है वो लड़ रहा होता है कोनो हमारू सेंसे से, और उसके साथ इवाबी भी होता है और बुरुटो भी वहाँ पर होता है। और फिर कोनो हमारू सेंसे कहते हैं कि हे बच्चे हो तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। फिर बुरुटो कहता है कैसे नहीं जीत पाएंगे आप देखो। और फिर हम देखते हैं कि बुरुटो कोनो हमारू सेंसे से लड़ता रहता है, उनको कीक लात और बुक्के मारते रहता है, कोनो हमारू सेंसे उसके हाथ पकड़ लेते हैं, पर ये क्या। और फिर बुरुटो की लात कहाँ पर जा रही है यार, इतनी टेढ़ी हुई किसी की लात हो सकती है? और यहाँ पर देखो हम कोनो हमारू का हाथ कहाँ पर है, उसका बुक्का है ही नहीं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर सब सेलिंग जो सुखा देते हैं जिसके कारण कोनो अमर को हिलते नहीं आता, क्यों कोनो अमर कहता है ये क्या हो रहा है। और फिर हम देखते हैं कि कोनो अमर कैसे वैसे होकर पीछे हट जाता है, और फिर वो कहता है कि बच गया मैं। और फिर हम देखते हैं कि पीछे से डेंकी आता है अपना बुक्का लेकर उसको मारने के लिए, पर कोनो अमर उस बुक्के को पकड़ता है उसको पीछे हकाल देता है और वो नीचे गिर जाता है डेंकी। और फिर कोनो अमर कहता है कि क्या बच्चो तुम्हें कुछ पावर ही नहीं है, तुम क्या शिनोबी बनोगे। और फिर हम देखते हैं कि अचानक से उनके जो बीच का जो लाल बटन होता है वो ऑटोमेटिक दब जाता है, और फिर वो
कोनोमर सेंसे कहते हैं कि कैसे हुआ। फिर हम देखते हैं कि बुरुटो ने ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु किया था। जो शारदा थी वो ऑटोमेटिक बुरुटो में दिखने लग गई थी। मतलब जब बुरुटो कोनोमर से लड़ रहा था वो बुरुटो नहीं था, वो शारदा थी, और उसने कुनाई बीच में मार दी थी जिसके कारण वो बटन दब गया था। और ऐसा ही कुछ होता है ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु में। और फिर हम देखते हैं कि कोनोमर कहता है, वाह भाई क्या काम कर दिया तुमने, तुमने सच में दिमाग लगाया और जीत गए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़की आकर कहती है कि वहाँ पर चलो, ककशन से वहाँ पर है। फिर बुलटो कहता है देर किस बात की, जल्दी चलो। और यहाँ पर शाम हो जाती है, ककशन से अपनी फेवरेट जिराय की बुक पढ़ते रहते हैं और कहते हैं कि वाह कितना मज़ा आ रहा है, आज ही कल पढ़ूंगा। और फिर यहाँ पर बुलटो के सारे क्लोन्स आ जाते हैं और फिर ककशन से कहते हैं, आ गए तुम अपने क्लोन्स के साथ, देखते तुम मैं क्या कर सकते हो। तो बुलटो कहता है कि आप देखो मैं क्या कर सकता हूँ। फिर ककशन से कहते हैं कि चलो देखो। और फिर हम देखते हैं कि बुलटो उस पर बहुत सारा अटैक करता है। और फिर हम देखते हैं कि ककशन से हर अटैक को डॉच करते हैं अपने बेली डांस करके, और बुलटो को एक एक का मारते रहते हैं। और फिर गाइस हम बाद में देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे बुलटो के ऑटोमेटिक क्लोन आने लगते हैं। कक्षन से कहते हैं ये क्या, ऐसा कैसे हो रहा है इतने सारे क्लोन्स पर। कक्षन से बुलटो के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारते हैं, पीछे उसका दूसरा क्लोन आता है। और फिर हम देखते हैं जिसके मुंह पर मुक्का बैठा था वो क्लोन ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु था, और उसके सारे क्लोन ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु होते हैं। पहला सिकाड़ाई बनता है और फिर वो और बहुत सारे क्लोन्स को तेजी तेजी से मारने लगते हैं। और फिर सारे क्लोन्स अचानक से चेंज होकर अलग अलग बच्चों में चेंज होने लगते हैं। मतलब वो अलग अलग बच्चे थे, बस उनमें बुरुटो का रूप था। और फिर हम देखते हैं कि और सारे क्लोन्स वहाँ पर आ जाते हैं और फिर दोनों क्लोन्स को ककासन से भिड़ा देते हैं और वो दोनों दूर जाके गिर जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं ककासन से हर एक बुरुटो को मारने लगते हैं अपने मुक्के और लातों से। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि सारे बुरुटो हवा में उड़ने लगते हैं। और फिर आखिर में ऐसा टाइम आता है कि एक भी क्लोन नहीं बचता और सब ककासन से नीचे गिर जाते हैं ककासन के कारण। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि और बहुत सारे क्लोन्स आ जाते हैं, पर ककासन से उस क्लोन को लात मारते हैं और हकाल देते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं गाइस कि आखिर में एक ही क्लोन बचा होता है जिसको भी ककासन से मुंह पर बुक्का मार के नीचे गिरा देते हैं, और आखिरी क्लोन शारदा होती है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सब गिरे होते हैं तो कोई नहीं बचता। फिर हम देखते हैं असली वाला बुरुटो आता है ककासन के ऊपर हमला करने के लिए, और यहाँ पर सारे बच्चे दूर दूर से सीलिंग जुत्सु कर देते हैं। मतलब सब ककासन के ऊपर सीलिंग जुत्सु करते हैं, और बुरुटो आगे से आता है ककासन को पकड़ने के लिए। ककासन से कहते हैं, वाह बच्चों क्या सीलिंग जुत्सु है, राइट टाइम पर तुमने सीलिंग जुत्सु इस्तेमाल किया। और वो उनको हिलते भी नहीं आता, उनकी मुंडी भी बहुत मतलब पावर से हिलानी पड़ती थी उनको। और फिर वो आगे कैसे वैसे करके अपना सिर हिलाते हैं और कहते हैं नहीं अब नहीं। पर ये बच्चे कहते हैं, बुरुटो जल्दी बेल को हाथ लगाओ या बेल निकालो जल्दी, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और फिर वो अभी भी यही कहता है। बुरुटो कहता है हाँ मैं कर रहा हूँ, और बुरुटो अपना हाथ आगे लेता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ककासन से पर्पल लाइटनिंग करते हैं जिसके कारण सारे बच्चों को बहुत ज़ोर से लगता है, और फिर वो उनको डैमेज बैठने के कारण ककासन से कहते हैं हो गया काम। और फिर भी उन बच्चों ने छोड़ा नहीं होता, बस कोई कोई बच्चे नीचे गिर गए होते हैं। ओ भाई यहाँ पर तो मिस्की तो सो ही गया होता है, आपको फिर से वो फोटो दिखाऊंगा। पर यहाँ पर बुरुटो कहता है कि अब नहीं छोड़ूंगा किसी को। और फिर इवा भी कहता है हाँ हम भी नहीं छोड़ेंगे, हमें भी शिनोबी बनूंगा। और फिर मिस्की डेंकी कहता है हाँ हम भी। और फिर यहाँ पर मिस्की उठ जाता है, और मिस्की का वो वाला फोटो वापस फिर से देखो आप। नानी फिर आखिर में बुरुटो उस बेल को हाथ लगा ही देता है, पर उसको बेल को ले नहीं पाता, पर हाथ तो लगाता है ना। और हाथ लगाने के बाद वो जब बेल हिलती है तब हम देखते हैं कि यहाँ पर टाइम अप हो जाता है। और फिर यहाँ पर ककासन से कहते हैं अब टाइम ख़त्म हो गया है, और फिर सारे बच्चे थके हुए रहते हैं और बुरुटो भी नीचे गिर जाता है। ककासन से भी बहुत सारा थक गए होते हैं और वो कहते हैं बाप रे बच्चों तुमने बहुत अच्छा काम किया। और फिर हम देखते हैं कि ककासन से की बेल हिलती रहती है, तो ककासन से सबसे कहते हैं कि अब टाइम अप हो गया है और तुम सब पास हो। और फिर शारदा की दी क्या, और सब हैरान हो जाते हैं। और शारदा कहती है तो ये बेल का क्या है, हमने तो बेल ली नहीं। तो फिर ककासन से कहती है बेल तो सिर्फ मैंने ऐसे ही लगाई है, मैं तुम्हारा बहादुरी देख रहा था। फिर बुरुटो कहता है फिर इतनी मेहनत क्या हुआ, हमारा वेस्ट गई पूरी की पूरी। फिर ककासन से कहते हैं नहीं, ये तुम्हारी मेहनत तुम्हें आगे बहुत सारे वॉर्स में काम आएगी, और मैं तुम्हारी बहादुरी देख रहा था। फिर मेडल कहता है अगर बहादुरी देखनी थी तो जब हमने ऐसा किया था तो आप कह नहीं सकते थे क्या कि बस करो अभी। और तो फिर ककासन से कहते हैं नहीं, तुम्हारी बहादुरी इतनी अच्छी थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि सब खत्म हो जाता है, और यहाँ पर शिनोसेन से सब बच्चों को इकट्ठा करते हैं, कहते हैं तुम सबने अच्छा काम किया, सबको नींद आ रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि सब कहते हैं सर जल्दी करो यार हम बहुत थक गए हैं। फिर सर कहते हैं कि हाँ ठीक है ठीक है। और फिर वो उनकी जो मतलब उनको जो आलस आई हुई होती है उसको रिलीज़ कर डालते हैं, और रिलीज़ होने के बाद वो बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर बाद में इरुका सेन से मतलब शिनो सेन से कहते हैं कि तुम सब गेनिन बन गए हो, तो भाई सबकी इतनी खुशी हो जाती है, सब देखो कैसे कैसा मुंह करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सब बच्चे चले जाते हैं और इरुका सेन से ककासन से को डांटते हैं कि तुम्हें बच्चों पर ऐसा हमला नहीं करना चाहिए। पर ककासन से कहते हैं मैंने सॉरी कह दिया ना यार, तो फिर इरुका सेन से नहीं सुनते। और आखिर के सीन में बुरुटो अपने हेडबन को देखता रहता है।
साथ आज का एपिसोड यही खत्म होता है, तो जल्दी से आप हमारे गेमिंग चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय गाइज।